गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा प्यारा होने वाला है। एक्चुअली आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक्चुअली मेरी मम्मी की रेसिपी है। सो मैं बना रही हूँ भटके डुबके, जो कि हम कुमाऊनियों में बनाया जाता है भटके डुबके, और जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है एंड जिसके अंदर बहुत से अच्छे तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन वगैरह, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। सो मैं वो बनाने वाली थी। सो अभी जैसे कि आप सबने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में कि मैं इंडिया गई हुई थी, सो मैं वापस लंदन आ गई हूँ। तो इस बार मैंने अपनी मम्मी को पहले डिमांड करके रखा था कि मेरे लिए भट रखे रहना, मैं लेके जाऊंगी इस बार और मैं यहाँ पे बनाऊंगी। सो आज वो दिन आ गया कि मैं बना रही हूँ, क्योंकि दाल खाते खाते ना अच्छा नहीं लगता इतना। सो मैंने सोचा क्यों ना भटके डुबके बनाए जाए आज। सो आज संडे है, मैं हूँ अभी, मेरा ऑफिस स्टार्ट नहीं हुआ है। सो मेरे हस्बैंड गए ऑफिस, सो वो आएंगे लंच पे, सो उनके लिए भी एक सरप्राइज होगा एंड देन फिर मैं बनाऊंगी। सो अभी मैंने बात कर ली थी मम्मी पापा से, तो फिर उनसे मैं रेसिपी लेती हूँ एंड देन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक्स। सो गाइस, सबसे पहले मैंने भट लिए थे, जो कि अगर भट आप डुबके बनाने की सोच रहे हो तो आपको ये ओवरनाइट सोक करने पड़ेंगे, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। सो मैं भूल गई थी, तो मैंने 3-4 घंटे पहले ही सोक करके रखे थे, बट फिर भी हो गए थे, बट ओवरनाइट ज़्यादा अच्छे रहता है। सो मैंने पूरे अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करके इसे मिक्सर जार में डाल दिया एंड देन मैंने ना लहसुन के कर लिया और आटा ऐड कर लिया गेहूं का, और आप चाहो तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं अच्छे से इसे पीस लूँगी, बट इसे बहुत मतलब बहुत बारीक नहीं पीसना है, बहुत पेस्ट नहीं बनाना है, इसको थोड़ा दरदरा रखना है ताकि ये खाने में ना अच्छा लगे। सो फिर उसके बाद मैं गैस ऑन कर लूँगी एंड उससे फिर मैं गैस पे वो रखूँगी पैन अपना, और अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो बेस्ट है, उससे आपको आयरन भी मिल जाएगा और डुबके उसी में ही अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे है नहीं इसलिए। सो मैंने सरसों का तेल ही यूज़ करा है, आप भी सरसों का तेल ही यूज़ करिएगा इसमें। देन उसके बाद मैंने जो पेस्ट है ना उस पर नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये चीज़ें ऐड कर लूँगी, और आप चाहो ना ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हो। सो फिर उसके बाद मैंने तेल हो गया था तो मैंने ना जीरा ऐड कर दिया और थोड़ा सा हींग, हींग तो अच्छा ही होता है, डाइजेस्ट करता है खाने को, और लहसुन की 2-3 कलियाँ क्योंकि मैंने थोड़ा तो उसमें डाला ही है, और बट इसमें जितना लहसुन पड़े ना उतना अच्छा टेस्ट देता है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, अकॉर्डिंग मतलब कि आपको कितना चाहिए। सो उसके बाद मैंने ना इस पर टमाटर, प्याज को फ्राई कर लिया था, प्याज के बाद मैंने टमाटर ऐड कर लिया था, और टमाटर आप ऐड करना चाहो तो करो, अदरवाइज ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। सो फिर मैंने उसके बाद जो पेस्ट था भट का वो मैंने पूरा ऐड कर दिया था इसमें, फिर जार पे ये काफ़ी नीचे तक चिपका था तो मैंने करछी की हेल्प से इसे पूरे से ले लिया, और फिर मैंने इसमें पानी डाल के अच्छे से उस पूरा मतलब भट का जो पेस्ट है वो पैन में डाल दिया ताकि पानी से अच्छे से आ जाए। सो उसके बाद मैं इसे हिलाऊंगी, क्योंकि इसे ना हिलाते रहना है, क्योंकि अगर ये फिर नीचे चिपक जाता है, और मैंने वो आँच बहुत कम कर दिया, और साइड में ही मैंने चावल भिगो के रखे थे तो मैंने चावल भी रख दिए कुकर में, क्योंकि मेरे दोनों चीज़ साथ में हो जाएंगे इसलिए। और फिर मैं इसको हिलाते रह रही थी, और ये मतलब ऑलमोस्ट बनने ही वाला है अभी, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर लग रहा है, तो अभी इसमें उबाल आ रहा है। सो बस मेरा यहाँ पे ये बन गया था, तो मैं इसे बंद कर दूँगी गैस। अब उसके बाद फिर मैंने सैलड के लिए यहाँ पे प्याज काट रही हूँ, जिसे मैं लच्छेदार प्याज की तरह काट लूँगी सैलड की तरह, और फिर मैंने आधा कुकुम्बर लिया जिसको मैंने पिल ऑफ कर लिया था, देन उसके बाद मैं इसे भी कट कर लूँगी सैलड के लिए। सो कुकुम्बर तो अच्छा ही होता है, हाइड्रेट करता है, बट यहाँ पे विंटर है तो थोड़ा इसलिए मैंने आधा ही लिया क्योंकि बहुत ठंडा है, बट अब जैसे आप इंडिया में तो अभी गर्मी है तो आपको कुकुम्बर खाना चाहिए हाइड्रेशन के लिए। देन उसके बाद मेरे कुकर में भी सीटी आ गई थी तो मैंने उसे भी बंद कर दिया गैस को, और यहाँ पे ये भट भी ऑलमोस्ट बन चुके थे। सो मैं एक बार इसको हिला के आपको दिखा दूँगी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और फिर हमने चावल बनाए थे, अगर आपके पास लाल चावल है तो आप लाल चावल इसके साथ खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और इसके साथ मैंने ही लिया था हरी मिर्च का अचार। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।